नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हाल ही में एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से पद भरे जाएंगे, इन्हीं में से एक था जल शक्ति विभाग, जिसमें 3,970 के करीब पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। अब इसमें भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, बहुत से बच्चों का ये डाउट था। इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, अब यहाँ पर क्या है कि लिखित परीक्षा नहीं होगी और ना ही कोई साक्षात्कार होंगे। इसमें 10 अंकों के आधार पर भर्ती होनी है। सैलरी कितनी मिलेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि आप देखोगे, यहाँ कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ना तो कोई लिखित और ना ही कोई साक्षात्कार होंगे। 8वीं से 10वीं के अंकों के आधार पर भर्ती होगी, जैसे मतलब यहाँ पर जो मान्यता होगी वो 8वीं से शुरू होगी। मतलब अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़े हो, आप 8th तक पढ़े हो, तो यहाँ पर आपको 8th का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा और उसमें जितने आपके नंबर थे परसेंटेज के आधार पर आपको 10 में से मार्क्स मिलेंगे और 10 में से 2 नंबर जो है वो तकनीकी अनुभव के मिलेंगे। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 नंबर उन बच्चों को मिलेंगे जो मौके पर अभ्यर्थी पाइपलाइन की चूड़िया कटाई जाएगी, जो बेहतर तरीके से कार्य करेगा, जल्दी कार्य करेगा, उसे 2 में से 2 मिलेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अंकों का निर्णय किया जाएगा। बाकी 8 नंबर यहाँ पर इसी के तहत आधार पर आपको मिलेंगे कि आपके 8 से लेकर 12 तक कितने नंबर है, इसके आधार पर यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे। टोटल पोस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3,970 जो पदों पर वो भर्ती की जाएगी। 2 अंक तकनीकी अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के लिए रखे गए हैं, इसे भी मेरिट बनाते समय शामिल किया जाएगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं पास रखी गई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो 10वीं और 12वीं रखी गई है। यहाँ पर हालांकि इन्होंने 8वीं से 10वीं तक लिखा है, लेकिन ये क्लियर आपको तभी मिल पाएगा जब कोई ऑफिशियली अपडेट इसका आएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि 10th और +2 आपकी होना चाहिए और पैरा पंप ऑपरेटर और फिटरों को यहाँ पर 5,500 रुपये दिया जाएगा और पैरा वर्करों को 3,900 रुपये मानदेय दिया जाएगा। और बात की जाए, यहाँ पर 3,970 पद भरने का फैसला लिया गया है। चुनावी साल में सरकार ने इन पदों को भरने की प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर शुरू कर दी जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर बात कही गई है कि ये पद भरने के लिए ना तो कोई लिखित परीक्षा होगी, ना ही कोई साक्षात्कार होंगे, मतलब कि कोई इंटरव्यू होगा। यहाँ पर क्या होगा कि 8वीं से 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट में सूची बनाई जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो 10 नंबर हैं उसमें क्या होगा कि उसी में शायद यहाँ पर तकनीकी अनुभव को भी मिला लिया जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि 10 नंबर आपके यहाँ पर अलग से रखे जाए और 2 नंबर आपको तकनीकी अनुभव के दिए जाए। बाकी यहाँ पर जो डिटेल इसमें और भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए हल्का सा कन्फ्यूज़न है, कहीं यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 8वीं पास और कहीं कहा है कि 10वीं से 12वीं। तो जैसे ही ऑफिशियली अपडेट मिलता है, क्योंकि अब इस भर्ती का काफ़ी जल्द आपको कोई अपडेट मिल जाएगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता कन्फर्म रूप से कितनी चाहिए। बाकी फ़ीस तो आप कितनी रहेगी, जो आपकी सैलरी रहेगी वो 5,500 रुपये से लेकर ये रहेगी फिटरों और ऑपरेटरों की और वर्करों के लिए, जो पैरा वर्कर होंगे उन्हें 3,900 रुपये दिया जाएगा। बाकी इसके बारे में जैसे कोई और अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन अपने ऑन कर देनी है, क्योंकि जैसे ही मैं कोई अपडेट वाली वीडियो डाल दूंगा वो आप तक पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।